स्टूडेंट्स एंड माय यूट्यूब चैनल्स अमित गुप्ता ड्रग फार्माकोलॉजी। टुडे वी डिस्कसिंग अबाउट द डायबिटिक मेलिटस। अब तक जो हमने डिसऑर्डर पढ़े थे वो ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर थे। डिफरेंट टाइप के एनीमिया पढ़ा था, हीमोफीलिया पढ़ा था। तो टुडे वी डिस्कसिंग अबाउट या स्टार्ट हम करते हैं एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स के लिए। एंडोक्राइन डिसऑर्डर आप समझ रहे होंगे जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उससे रिलेटेड जितने डिसऑर्डर्स होंगे वो सभी कितने आएंगे एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में होंगे। तो एंडोक्राइन डिसऑर्डर को स्टार्ट करते हुए आज जो पहला डिसऑर्डर है उसको हम पढ़ते हैं डायबिटिक मेलिटस। डायबिटिक मेलिटस को आप सब लोग जानते होंगे डायबिटीज़ के लिए कि इसमें शुगर कंडीशन, शुगर लेवल जो हमारे ब्लड में बढ़ जाता है एक नॉर्मल लेवल से, उस कंडीशन को हम डायबिटिक मेलिटस कहते हैं। साथ में हम इसमें देखेंगे कि कितने टाइप के डायबिटिक मेलिटस होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं और इसकी पैथोफिजियोलॉजी। तो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूँगा, काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। आज पार्ट हम फर्स्ट देखेंगे, इसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ डायबिटिक मेलिटस और इसके सिम्टम और कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं वो देखते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पार्ट दूंगा आपको पैथोफिजियोलॉजी का। मेजर पार्ट ऑफ पैथोफिजियोलॉजी हम कल वाले वीडियो डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट ऑफ द डायबिटिक मेलिटस। ठीक है, तो टुडे हम स्टार्ट करते हैं डायबिटिक मेलिटस का फर्स्ट पार्ट। ठीक, डायबिटिक मेलिटस इज ए एंडोक्राइन डिसऑर्डर विच इज करेक्टराइज बाई द कॉमन फीचर्स ऑफ हाई ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशंस। आपको पता ही है, मैं बताया भी था आपको, हाई ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन हो जाए उस कंडीशन को हम डायबिटिक मेलिटस बोलते हैं। फास्टिंग अगर हम बात करें तो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन इज मोर देन 140 मिलीग्राम परसेंट एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 200 ग्राम परसेंट टू आवर आफ्टर द ओरल डोज ऑफ 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। अगर इसको देखें तो एक तरह से ग्लूकोज के पैरामीटर की बात करें तो फास्टिंग कंडीशन में जब उन्हें कुछ खाया नहीं हो उस कंडीशन में किसी का ग्लूकोज 140 से ज़्यादा हो, साथ में अगर उसको हमने कुछ 70 ग्राम ऑफ डाइट ऐसी दी है 75 ग्राम जिसमें 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट है, ओरल डोज दी है, उसके दो घंटे बाद में अगर देखते हैं कि उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल आफ्टर फूड आफ्टर मील की बात कह सकते हैं, आफ्टर मील के बाद में उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर 200 मिलीग्राम के बराबर हो या फिर उससे ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में क्या है वो पेशेंट जो हो वो डायबिटिक मेलिटस का होता है। अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि अगर ब्लड ग्लूकोज अगर बिफोर मील हमारे 140 मिलीग्राम परसेंट के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो और साथ में आफ्टर मील के टू आवर आफ्टर मील ब्लड ग्लूकोज लेवल 200 मिलीग्राम से ज़्यादा हो या उसके बराबर हो तो ये कंडीशन जो होती है वो आपकी डायबिटिक मेलिटस कहलाती है। ठीक है, द फंडामेंटल फिजियोलॉजिक एबनॉर्मलिटी अंडरलाइंग डायबिटिक मेलिटस इज ए कम्प्लीट लैक और इनएडिक्वेट इंसुलिन सेक्रेशन। अगर कम्प्लीट फिजियोलॉजिकल की बात करेंगे तो मेनली डायबिटिक मेलिटस में क्या होता है, या तो इंसुलिन का सेक्रेशन कम हो जाता है या इंसुलिन का सेक्रेशन बिल्कुल कम हो जाए, बिल्कुल लेस हो जाएगा, नहीं होगा सेक्रेशन, या फिर वो इनएडिक्वेट सेक्रेशन हो रहा होता है, इंसुलिन का प्रॉपर तरीके से नहीं होकर थोड़ा बहुत इंसुलिन का सेक्रेशन हो रहा होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंसुलिन सेक्रेशन डायबिटिक मेलिटस क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। अब हमने डायबिटिक मेलिटस को दो टाइप में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन या तो बिल्कुल सीक्रेट नहीं हो या फिर थोड़ा बहुत सीक्रेट हो, इनएडिक्वेट सेक्रेशन एंड वेन द बिल्कुल नहीं लैक ऑफ सेक्रेशन, दो कंडीशन बनेगी, या तो इंसुलिन बिल्कुल सेक्रेशन ना हो, लैक ऑफ इंसुलिन सेक्रेशन, या फिर इनएडिक्वेट सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन। तो उस बेस पर हमने डिवाइड किया डायबिटिक मेलिटस को टू टाइप में। फर्स्ट इज़ द टाइप फर्स्ट जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलिटस यानी कि IDDM। क्यों होता है, लैक ऑफ इंसुलिन यानी कि इस कंडीशन में इंसुलिन का सेक्रेशन बिल्कुल भी हमारी बॉडी में थ्रू द पैंक्रियास जो आपकी बीटा सेल ऑफ लैंगस पैंक्रियास जो होती हैं उससे सेक्रेशन बिल्कुल नहीं होता, बीटा सेल्स ऑफ लैंगरेंस बीटा सेल ऑफ ईस्लेट लैंगरेंस से बिल्कुल सेक्रेशन जो बिल्कुल मतलब लैक ऑफ सेक्रेशन हो जाता है, बिल्कुल भी सेक्रेशन इंसुलिन का नहीं हो रहा है उस कंडीशन को हम बोलते हैं टाइप फर्स्ट या नॉन इंसुलिन डायबिटिक मेलिटस जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं IDDM। ठीक है, लैक ऑफ इंसुलिन। जो सेकंड है वो आपका टाइप सेकंड नॉन, उसे बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलिटस यानी कि NIDDM। इसमें क्या होता है, इनएडिक्वेट सेक्रेशन होता है, या तो इंसुलिन सेक्रेशन कम अमाउंट में हो रहा है या फिर फंक्शन ऑफ जो इंसुलिन के फंक्शन है वो आपके इनएडिक्वेट हो गए, मतलब अपने प्रॉपर तरीके से वो फंक्शन इंसुलिन प्ले नहीं कर पा रहा है या फिर नंबर ऑफ जो लेवल ऑफ सेक्रेशन है वो आपका कम हो गया है, तो उस कंडीशन में जो इंसुलिन जैसी जो डायबिटिक कंडीशन बन रही है उस कंडीशन को बोलते हैं टाइप सेकंड डायबिटिक मेलिटस या फिर
नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मिलाइटस। इसको मैं एक तरह से और डिफाइन कर सकता हूँ, जो टाइप फर्स्ट इंसुलिन डायबिटिक मिलाइटस को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मिलाइटस इसलिए कहते हैं कि उस कंडीशन में हमको उस पेशेंट को इंसुलिन हमें देना पड़ेगा, इंसुलिन हम इंसुलिन के जो इंजेक्शन देते हैं वो हमको देने पड़ेंगे। जबकि टाइप सेकंड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मिलाइटस उसमें हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स होती हैं जो हम ओरली ड्रग देते हैं टेबलेट्स के फॉर्म में, जिसके हेल्प से ब्लड ग्लूकोज कम हो जाता है। तो उसके हेल्प से जिसमें हमें इंसुलिन डायरेक्टली देने की जगह हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का यूज़ करके उसको ठीक उसके ग्लूकोज लेवल को ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए उसको जो इंसुलिन डिपेंडेंट है जिसके इंसुलिन के बिना उसका ग्लूकोज लेवल ठीक नहीं कर सकते, उस कंडीशन बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मिलाइटस, क्योंकि इसमें इंसुलिन का सेक्रेशन बिल्कुल नहीं हो रहा है। और जो सेकंड टाइप सेकंड है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मिलाइटस, इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो आपका इंसुलिन सेक्रेशन या तो इनएडिक्वेट हो रहा है या इंसुलिन के फंक्शन है वो इनप्रॉपर हो रहे हैं, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल प्रॉपर तरीके से कम नहीं हो पाता है। और इस कंडीशन में हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग के हेल्प से इंसुलिन को रेगुलेट कर ग्लूकोज कंसंट्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं, इसमें इंसुलिन देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस बेस पे डायबिटिक मिलाइटस को दो टाइप में डिवाइड किया, टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकेंड। अब आगे बढ़ते हैं हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि साइन एंड सिम्टम्स की ओर भी, कि साइन और सिम्टम्स के क्या हो सकते हैं। अगर मैं सिम्टम्स की बात करूँ डायबिटिक मिलाइटस की, तो इसकी याद रखिए ट्रिपल पी 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 पी, यानी कि ट्रिपल पी का मतलब पी फॉर पॉलीयूरिया, सेकेंड पी फॉर पॉलीडेप्सिया और थर्ड पी फॉर पॉलीफेगिया। यानी पॉलीयूरिया मतलब क्या है, यूरिन की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो डायबिटिक मिलाइटस की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पॉलीडेप्सिया मतलब क्या है, जो आपकी प्यास बढ़ती है, ड्रिंकिंग वाटर लेने की जो एक्सेप्टेबिलिटी है उसकी फ्रिक्वेंसी भी बढ़ जाती है, बार बार उसको प्यास लगेगी पेशेंट के लिए पॉलीडेप्सिया। एंड पॉलीफेगिया मतलब क्या, बार बार उसे भूख लगेगी, भूख काफ़ी ज़्यादा लगेगी। तो ये तीन सिम्टम्स बेसिक क्लासिकल सिम्टम्स कहलाते हैं डायबिटिक मिलाइटस के, पॉलीयूरिया यानी कि यूरिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, पॉलीडेप्सिया यानी कि बहुत ज़्यादा प्यास बढ़ जाना, और पॉलीफेगिया मतलब बहुत ज़्यादा भूख बढ़ जाना, यानी ट्रिपल पी। अदर सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, नॉक्टोयूरिया है, ग्लैक्सोसियूरिया है, डिहाइड्रेशन है, वीकनेस एंड ड्राई स्किन। नॉक्टोयूरिया मतलब क्या है कि बार बार यूरिनेशन, नॉक्टोयूरिया मतलब रात में बार बार यूरिनेशन के लिए जाना, नाइट में सोते समय बार बार यूरिनेशन के लिए कोई पेशेंट जा रहा है नॉक्टोयूरिया। ग्लाइकोसियूरिया मतलब क्या है कि आपके उससे जो यूरिन के अंदर ग्लूकोज लेवल काफ़ी बढ़ गया है, यूरिन के अंदर ग्लूकोज काफ़ी एस्केशन हो रहा है, तो उस कंडीशन ग्लाइकोसियूरिया बोलते हैं। डिहाइड्रेशन वाटर की डिफिशेंसी भी लगती है, बार बार वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, वीकनेस और ड्राई स्किन आप जानते हैं। तो ये इसके क्लासिकल सिम्टम्स थे, कुछ अदर सिम्टम्स थे। इसके अलावा क्या होता है, एडिशनली पेशेंट्स ऑफ टाइप फर्स्ट डायबिटिक मिलाइटस का पेशेंट है तो उसके लिए मेलेजी देखा गया है कि कीटो एसिडोसिस और वेट लॉस की मेजर चांसेस रहते हैं टाइप फर्स्ट डायबिटिक मिलाइटस के लिए। इन केस ऑफ चिल्ड्रन, अगर चिल्ड्रन को किसी को डायबिटिक है तो उसके लिए ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाता है, उसकी प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाती है, ये भी इसके सिम्टम्स में देखा गया है। ठीक है, तो ये तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हुए, साइन एंड सिम्टम्स हुए। और डायबिटिक मिलाइटस अगर लॉन्ग टाइम तक बनी हुई है, उसका हम शुगर लेवल क्या है कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, रेगुलेट नहीं कर रहे हैं, और शुगर कंसंट्रेशन जो ब्लड के अंदर है वो कंटिन्यू हायर बनी हुई है, तो वो कुछ कॉम्प्लिकेशन, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन करती है बॉडी के अंदर। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं उसको अब देखते हैं। कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डायबिटिक मिलाइटस यानी कि लॉन्ग टर्म तक हम उस किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर ग्लूकोज कंसंट्रेशन को रेगुलेट नहीं कर रहे हैं, उसकी ग्लूकोज कंसंट्रेशन कंटिन्यू हायर बनी हुई है ब्लड के अंदर, तो कंटिन्यू हायर बनी होने के कारण क्या होता है कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, तो वो कहेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटिक मिलाइटस। तो देखते हैं क्या है। इन द लॉन्ग रन हाइपरग्लाइसीमिया कॉज वैरायटी ऑफ डैमेजिंग गिव्स अराइज टू द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन। अगर लॉन्ग टाइम तक हम हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशंस बनी हुई है, ब्लड ग्लूकोज लेवल कंटिन्यू बढ़ा हुआ है, तो उसके कारण क्या होता है, काफ़ी शरीर में जो बॉडी में कई जगह डैमेजिंग होती है, और डैमेजिंग ऑफ सेल्स के कारण बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस बन जाते हैं। जैसे कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो दो तरह कॉम्प्लिकेशन बन सकते हैं, फर्स्ट इज़ द एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस एंड सेकंड इज़ द क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस। एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस यानी कि उस कंडीशन में जब डायबिटिक करंटली हुआ है, जब हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन बढ़ी हुई है एक हफ्ते से, वन वीक से या एक वीक से या दो वीक से, तो कंटिन्यू ही हमें कॉम्प्लिकेशन ऑब्जर्व होने लगेंगे, उसको बोलेंगे एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस। अब किसी पेशेंट का जो ग्लाइकोसियूरिया यानी कि जो आपका
ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो आपका 6 महीने 7 महीने 8 महीने से कंटिन्यू बढ़ा हुआ है, तो उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशन होंगे वो डेट इज़ द क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन, यानी लॉन्ग टर्म बाद में जो आए कॉम्प्लिकेशन वो क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस, और स्टार्टिंग में जो कॉम्प्लिकेशन दिख गए वो अक्यूट कॉम्प्लिकेशंस। तो अक्यूट कॉम्प्लिकेशंस में देखेंगे तो आपको कीटो एसिडोसिस दिखता है। कीटो एसिडोसिस मतलब क्या है? एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज़, ये आप भी बायोकेमिस्ट्री में मैम पढ़ाएंगे, आपको देख सकते हैं वहाँ पर कि कीटोन बॉडीज़ का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। कीटोन बॉडीज़ के हायर लेवल ऑफ कीटोन बॉडीज़ होती हैं वो हमारे और भी सिम्टम्स जनरेट करती हैं। हायर लेवल ऑफ कीटोन बॉडीज़ क्या करेंगे कि हमारी बॉडी में और भी कॉम्प्लिकेशन जनरेट करती हैं, जिससे क्या होता है वीकनेस होती है, और इसके अलावा बहुत लीवर के डैमेजिंग होने के चांसेस रहते हैं। जैसे अगर हाई लेवल ऑफ कीटोनेमिया हो जाए तो डिहाइड्रेशन है, सीवियर डिहाइड्रेशन है, नोजिया है, वोमिटिंग है, और इसके अलावा आपका सोडियम पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है, और हाइपर और ट्राइग्लिसराइड लेवल काफ़ी बढ़ जाते हैं, VLDL लेवल यानी वेरी लो डेंसिटी पर प्रोटीन जो होती है ब्लड में बढ़ जाती हैं, और ये सब चीज़ें बढ़ने के कारण क्या होती हैं, ये सब जो कीटो एसिडोसिस के कारण यानी कीटोन बॉडी बढ़ने के कारण क्या हुआ, ये सभी सिम्टम्स हो रहे हैं कि आपका डिहाइड्रेशन हो रहा है, नॉक्सिया वोमिटिंग है, और साथ में हाइपर ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, VLDL लेवल बढ़ जाता है, लिकोसाइटोसिस यानी लिकोसाइट्स कम हो जाते हैं, और बाद में कोमा, डायबिटिक कोमा, कोमा कंडीशन भी मिल जाती है, कीटोसिस कोमा भी बोलते हैं, तो ये सब कंडीशंस बनती हैं, और लास्ट में ये फेटल कंडीशन में ही पहुंच सकता है। तो ये मेनली जो होगा वो आपका इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलिटस में ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ हाइपर ऑस्मोलर कोमा, ये हाइपर ऑस्मोलर कोमा अगर कंडीशन होगी तो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलिटस पेशेंट में ज़्यादा ऑब्जर्व होती है। इज़ द करेक्टराइज बाई द एक्सेसिव एक्सक्रीशन ऑफ द वाटर एंड इनसफिशियंट ब्लड इनटेक। इसमें क्या होगा कि जो यूरिनेशन का जो फ्रिक्वेंसी है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है, साथ में क्या होगा कि जो आपका वाटर गेन कैपेसिटी है या फ्लूड इनटेक कैपेसिटी है वो फ्लूड इनटेक कैपेसिटी कम हो जाती है, और वाटर एक्सक्रीशन बहुत ज़्यादा होने लगता है, इसके कारण बॉडी वेट भी कम होने लगेगा। तो ये जो हाइपर ऑस्मोलर कोमा हो रहा है ये मेनली देखा जाता है किसके अंदर, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलिटस में, जिसमें यूरिनेशन फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा यूरिन लगता है, और ये कंडीशन कभी कभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाती है, क्योंकि और ये इस कंडीशन से भी क्या, ये कंडीशंस बहुत ज़्यादा डेंजर, ये मतलब ये कंडीशन भी बाद में कोमा में चेंज हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड का बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी से फ्लूड का लॉस होना भी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, ठीक है। तो फिर आप बात करते हैं क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन क्या है, रेटिनोपैथी, यानी कि जो हमारी रेटिनोपैथी का मतलब क्या हुआ, जो रेटिना के आसपास जो नर्व्स होती हैं या रेटिना के आसपास जो ब्लड वेसल्स होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल वेसल्स ब्लड वेसल्स होते हैं, वो सभी डैमेज हो जाते हैं, जिसके कारण ऑक्सीडेटिव ब्लड वहाँ पर नहीं पहुँच पाता है, तो रेटिना सेल्स होती हैं वो डेथ हो जाती हैं, जिसको रेटिनोपैथी बोलते हैं। नेफ्रोपैथी यानी कि जो नेफ्रॉन्स हैं, नेफ्रॉन्स में भी क्या है, ब्लड प्रॉपर तरीके से पहुँच नहीं पा रहा है, ब्लड ग्लूकोज हाई लेवल बना हुआ है, तो नेफ्रॉन डैमेज होने लगती हैं, और नेफ्रॉन जब डैमेज होती हैं किडनी की उसको नेफ्रोपैथी बोलते हैं। न्यूरोपैथी क्या, न्यूरॉन्स होती हैं, न्यूरॉन्स में भी जब हाई लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज हो जाएगा, हाई लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज के कारण क्या होती है, कुछ क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो भी आपकी सेंसरी नर्व्स हैं वो आपकी डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, तो हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज के कारण उसको हम न्यूरोपैथी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा एथेरोस्क्लेरोसिस बताओ के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज के कारण ट्राइग्लिसराइड्स है और कोलेस्ट्रॉल लेवल है, BLDL है, वो बढ़ जाते हैं, वो डायरेक्टली क्या इनिशिएट करते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी कंडीशन के लिए इनिशिएट करते हैं। इसके अलावा थ्रोम्बोएम्बोलिज्म यानी ब्लड के अंदर छोटे छोटे कोगुलेशन जो प्रोटीन्स होती हैं वो बढ़ जाती हैं, इसके अंदर ब्लड के अंदर कोगुलेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, और ब्लड के अंदर छोटा सा कोगुलेशन क्लॉट जो है वो ब्लड के अंदर फ्लो करेगा, उसको हम थ्रोम्बोएम्बोलिज्म बोलते हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर ही कोई क्लॉट फॉर्म हो जाता है उसको थ्रोम्बोएम्बोलिज्म करते हैं, जो बेसिकली मैंने आपको बढ़ाया था थ्रोम्बोएम्बोलिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है एंजाइना के लिए या मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी हार्ट अटैक की कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। फूड अल्सर अक्सर देखा जाता है कि जो आपके पैर हैं, जो आपके डायबिटिक पेशेंट के जो पैर हैं उसमें उंगलियों के आसपास अल्सरेशन जैसी चीज़ दिखती है, अल्सर दिखता है, दैट इज़ आल्सो द क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डायबिटिक मेलिटस। इसके अलावा इंक्रीज़ द चांस ऑफ इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इन पेशेंटों में मेनली जो आपके लिकोसाइट्स हैं, ईसिनोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, ये किसकी जो हीमोटॉक्सिस प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जहाँ इन्फेक्शन है वहाँ पे ल्यूकोसाइड या फेगोसाइट्स का पहुँचना, जो फेगोसाइट्स जो सेल्स होती है वो पहुँचना वो आसानी से वहाँ पहुँच नहीं पाती हाई ग्लूकोज लेवल के कारण, जब कीमोटॉक्सिस
इन कीमोटैक्सिस का मतलब क्या है कि जो आपकी ल्यूकोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, अक्सर क्या होने आपको बताया था, इन्फ्लामेशन कहीं भी होगा, कोई भी इन्फेक्शन होगा, वहाँ पर सबसे पहले क्या होती है, ल्यूकोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, फेगोसाइट्स हैं, वो सेल पहुँच जाती हैं। वहाँ पहुँच के क्या होती हैं, जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस इंड्यूस होती हैं, जिससे क्या होता है वहाँ पर जो डैमेजिंग सेल्स होती हैं वो इंगल्फ कर ली जाती हैं, साथ में जो इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं जो बैक्टीरिया वायरस उनको भी ख़त्म कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो वो सेल यहाँ पहुँच ही नहीं पानी जहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है, क्यों? क्योंकि जब इसलिए पहुँच पे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने के कारण क्या होती है, वो सेल आसानी से उस एरिया में नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ इन्फेक्शन हो रहा है, तो इसलिए इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा बॉन्ड हीलिंग डिले हो जाती है, किसी को डायबिटिक पेशेंट को अगर चोट लगे तो उसकी चोट जल्दी हील नहीं हो पाती है, क्योंकि वहाँ पर भी यही कंडीशन है कि आपके जो आपकी न्यूट्रोफिल्स हैं, फेगोसाइट्स हैं, लेकोसाइट्स हैं, वो आसानी से वहाँ पहुँच नहीं पा रही हैं। अब पहुँच ना पाने के कारण वहाँ पर क्या होता है, कंटिन्यू इन्फेक्शन बना रहता है और इन्फेक्शन कंटिन्यू बना रहेगा, जिसकी वजह से बॉन्ड हीलिंग भी नहीं हो पाती है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं डायबिटिक मेलेटस के, और ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हुए। अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी द फंडामेंटल एबनॉर्मलिटी इन डायबिटिक मेलेटस इज द हाइपरग्लाइसीमिया। पहले हमने देखेंगे कि डायबिटिक मेलेटस में पहली कंडीशन हाइपरग्लाइसीमिया जैसी बनती है, विच इज रिजल्ट फंक्शनल डिफिशेंसी ऑफ इंसुलिन एक्शन, जो मेनली इंसुलिन के फंक्शन के कम होने के कारण होती है। द डिफिशेंसी में भी अगर ड्यू टू आल एंड एनी और ऑल ऑफ द फॉलोइंग रीजन, क्यों हो सकती है, तीन रीजन हो सकते हैं। पहला इज द रिड्यूस इंसुलिन सेक्रेशन, या तो इंसुलिन का सेक्रेशन बहुत कम हो जाए, वाजा बीटा सेल ऑफ इंसुलिन लैंगरहैंस, रिड्यूस रिस्पॉन्स ऑफ टारगेट टिश्यू टू द इंसुलिन, या फिर इंसुलिन का जो इंसुलिन जिस टिश्यू पर एक्ट होते हैं उन टिश्यू पर उनका रिस्पॉन्स कम हो जाए, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाए, या फिर इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ हार्मोन्स विच एंटागोनाइज द एक्शन ऑफ इंसुलिन, या फिर इस तरह के हार्मोन की एक्टिविटी बढ़ जाए जो इंसुलिन के एक्शन को कम करते हैं, उसके कारण क्या होता है, डायबिटिक या हाइपरग्लाइसीमिया जैसी कंडीशन बन जाती है। तीन कंडीशन हो सकती हैं, या तो सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन कम हो जाए, या फिर इंसुलिन का जो जिस टिश्यू पर जो अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है वो टिश्यू पर एक्शन प्रोड्यूस ना हो, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाए, या फिर उन हार्मोन्स की एक्टिविटी बढ़ जाए जिससे कारण क्या होता है कि इंसुलिन का एक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन हो सकती हैं। तो मैं पैथोफिजियोलॉजी हम दो टाइप से पढ़ेंगे, क्योंकि दो टाइप की डायबिटीज है। पहले हम देखेंगे टाइप फर्स्ट डायबिटिक मेलेटस कैसे होता है, और उसके बाद देखेंगे टाइप सेकंड डायबिटिक मेलेटस कैसे होता है। तो आज मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ टाइप फर्स्ट डायबिटिक मेलेटस का। तो टाइप फर्स्ट इज द रिजल्ट ऑफ प्राइमरी डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन सेक्रेशन बाय द बीटा सेल्स ऑफ लैंगरस, बीटा सेल्स ऑफ इसलिएट ऑफ लैंगरहैंस, की जो लैंगरहैंस की बीटा सेल्स होती हैं उनसे बेसिकली जो सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन होता है बिल्कुल कम हो जाता है, ये ना के बराबर होता है। द इंसुलिन सेक्रेशन इन दिस टाइप डायबिटिक में भी नील, मतलब बिल्कुल बंद हो जाएगा, बिल्कुल भी इंसुलिन सेक्रेशन नहीं हो रहा है, लैक ऑफ इंसुलिन सेक्रेशन की कंडीशन हो जाती है। और ये डिसीज मेनली यंग पेशेंट में देखी जाती है, यंग एज के पेशेंट होते हैं उनमें देखा जाता है, देयरफॉर इसलिए इसे हम जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटिक मेलेटस के नाम से भी जानते हैं। अगर पैथोजेनेसिस की बात करें तो पैथोजेनेसिस की बेसिस पे देखें तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलेटस मेनली दो कारण से होती है, एक ऑटोइम्यून डिसीज के कारण, या ऑटोइम्यून थ्योरीज है जिसमें आप कल मैं एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट ऑफ डायबिटिक मेलेटस में, या फिर जेनेटिक थ्योरी, जेनेटिक की वजह से भी कंडीशन की वजह से टाइप फर्स्ट डायबिटिक मेलेटस होता है, साथ में ऑटोइम्यून स्टिमुलेशन की वजह से क्या होता है, डायबिटिक मेलेटस होता है। ऑटोइम्यून स्टिमुलेशन बेसिकली क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। ऑटोइम्यून स्टिमुलेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है कि ऑटोइम्यून स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण हमारी बॉडी में इस तरह की एंटीबॉडी बन जाती हैं जो कि इंसुलिन की बीटा सेल्स होती हैं उनको ये डैमेज करने लगती हैं। जब इंसुलिन की जो सिक्रेज करने वाली बीटा सेल्स जब वो डैमेज हो जाएंगी तो इंसुलिन सिक्रेशन बिल्कुल बंद हो जाता है। ये तो हो गया ऑटोइम्यून थ्योरी के अकॉर्डिंग। जेनेटिक थ्योरी में क्या होता है कि हमारे जो जीन में कुछ इस तरह के मॉडिफिकेशन हो जाते हैं, और वो मॉडिफिकेशन जीन्स के होते हैं वो इस तरह की एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, मॉडिफिकेशंस होने के कारण इस तरह के एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं जो कि बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस को प्रॉपर तरीके डेवलप नहीं होने देते हैं, और जब वो प्रॉपर तरीके डेवलप नहीं होती तो इंसुलिन सेक्रेशन भी कम हो जाता है। तो ये दोनों थ्योरी को मैं एक्सप्लेन करूँगा सेकेंड पार्ट ऑफ डायबिटिक मेलेटस के लेक्चर में। तो यहाँ तक आपको समझ में आया हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा, और आपको लगता है कि वीडियो किसी को शेयर करने पर उसको हेल्पफुल हो सकता है तो ज़रूर उसको शेयर कीजिएगा। अगर आपने अब तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा,
नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।